कुदरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है, हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, अजब दास्तां है अजब है कहानी। ठाकुरायन से मिलने के बाद कुसुम घर लौटती है और अपने पिता भूपेंद्र सिंह से पूछती है कि अमिता का खून किसने करवाया। भूपेंद्र सिंह कहता है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानता। कुसुम को यकीन है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि अमिता और प्रगति को मारने की साजिश थी। भूपेंद्र सिंह और उसकी माँ सुधा उससे कहते हैं कि उसे ऐसे लोगों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। भूपेंद्र सिंह उसे याद दिलाता है कि उससे कुछ छिपाया गया था तो सिर्फ इसलिए कि उसे तकलीफ ना पहुंचे। कुसुम को तसल्ली नहीं होती और वो विनोद से मिलने जाती है। वो भी उससे कहता है कि वो अमिता की मौत के बारे में सिर्फ इतना जानता है कि वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद अस्पताल में मर गई। वो मानता है कि अमिता से उसके ताल्लुकात थे, लेकिन इसके बावजूद वो कुसुम से प्यार करता है और चाहता है कि वो फौरन हवेली लौट आए। लेकिन कुसुम विनोद से कहती है कि वो तब तक हवेली में कदम नहीं रखेगी जब तक ठाकुरायन वापस नहीं आ जाती। विनोद अपने पिता ठाकुर रुद्रप्रताप से कहता है कि वो ठाकुरायन को वापस ले आए, वरना भूपेंद्र सिंह उनका दुश्मन हो जाएगा। अब आगे क्या? गर्मा गर्म चाय है, यह। जी ठाकुर साहब, चाय। और सुनाओ परदेसी, गांव में बीवी बच्चे कैसे हैं? क्या मजाक कर रहे ठाकुर साहब, आपको तो मालूम मेरी तो शादी भी नहीं हुई। चाय में गड़बड़ है क्या? इसमें शक्कर तो डाली नहीं तूने। क्या है ठाकुर साहब, आजकल आए दिन पेपर में आता है ना, डायबिटीज की बहुत बीमारियां फैल गई। अरे परदेसी, गलती हो गई, डालता हूँ साहब। ये लीजिए साहब। आओ बेटे विनोद, आओ। परदेसी जी साहब, विनोद के लिए भी एक चाय। परदेसी मैं चाय नहीं पीऊंगा। नहीं पियेंगे? तुम अंदर जाओ। परदेसी तुम अंदर जाओ। लगता है छोटे ठाकुर का मूड खराब है। बाहर से लड़के आते हैं, गुस्सा मेरे पे उतारते हैं, समझते क्या इन्हों अपने आप को। परदेसी अंदर जाओ। क्या बात है विनोद, इतने परेशान क्यों? बाबूजी मुझे आपसे बात करनी है। कोई खास बात बेटे? जी बोलो। आज ऑफिस में कुसुम आई थी। क्या कुसुम ऑफिस में आई थी? लेकिन क्यों? वो मुझसे ये पूछने आई थी कि अमिता को किसने मारा है। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कह दिया कि वो हादसे में मारी गई। तुमने ठीक कहा बेटे। नहीं बाबूजी, उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वो मुझे अमिता के कत्ल पर इल्जाम लगा रही थी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ बाबूजी, उसने मुझसे ये भी कहा कि उस ऑटो रिक्शा में अमिता के साथ प्रगति भी मौजूद थी और हमला उन दोनों पर हुआ है। आखिर ये सब खबरें उस तक पहुंचा कौन रहा है? कुसुम को ये भी पता चल गया बाबूजी कि माँ जी हवेली छोड़कर चली गई है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो कन्विंस नहीं हुई। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी खबरें पहुंचाने वाला आदमी है कौन? बाबूजी वो माजी से मिलने करण के घर भी गई थी। विनोद, ये लक्षण अच्छे नहीं है। आज भूपिंदर हमारे साथ है तो सिर्फ इसलिए कि हमने उससे झूठ बोला है, कि प्रगति और अमिता मिलकर कुसुम की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। अगर उसकी बेटी ने जाकर सारी सच्चाई उसको बता दी तो वो एक पल में हमारा दुश्मन बन सकता है। बाबूजी, कुसुम के तेवर देखने से ये पता चलता है कि वो ठाकुर भूपेंद्र सिंह को सच्चाई बता देगी, क्योंकि कुसुम हमारे खिलाफ हो ही रही है
और ठाकुर भूपेंद्र सिंह को हमारे खिलाफ होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बाबूजी। विनोद, कुसुम को हम किस तरह से मना सकते हैं? बाबूजी, माँ जी का इस हवेली में आना बहुत जरूरी है। वो नहीं आएगी, वो बहुत ही जिद्दी औरत है। मैं मानता हूँ बाबूजी, माँ जी बहुत जिद्दी हैं, मगर कुसुम ने मुझसे कहा है बाबूजी कि अगर माँ जी इस हवेली में नहीं आई तो इस हवेली में कभी खत्म नहीं रखेगी। विनोद, ये बहुत ही बुरा हो रहा है हमारे साथ। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी मां का इस हवेली में आना बहुत जरूरी हो गया है। बाबूजी, मेरे जाने से मां इस हवेली में नहीं आएगी, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा माँ जी को मनाने। मुझे? ये तुम क्या कह रहे हो विनोद? हाँ बाबूजी, तुम ये चाहते हो कि मैं उसे जाकर मनाऊं, मैं उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाऊं? मैं नहीं जाऊंगा विनोद। बाबूजी, अगर माँ इस हवेली में नहीं आई तो कुसुम भी नहीं आएगी, और इसका मतलब यह है कि कुसुम इस हवेली से रिश्ता तोड़ लेगी। नहीं, यदि कुसुम ने इस हवेली से रिश्ता तोड़ दिया तो भूपेंद्र सिंह भी रिश्ता तोड़ देगा। मैं तुम्हारी मां को मनाने करण के घर जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। सच बाबूजी? इसका मतलब बड़ी मालकिन हवेली में आ रही है। ये खुशखबरी जाकू मैं पंडित जी को सुनाता हूँ, हो सकता है पंडित जी खुश होकर राम कटोरी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। चल परदेसी। लीजिए भूले महाराज, चाय पीजिए। हमारा मन नहीं है, हम ना पिए बेटवा। ये क्या भूले महाराज, आप तो चाय दिन में 10 बार पीते थे, जैसे चाय ही आपकी जिंदगी हो। ये समझ ले राम कटोरे कि हमारी जिंदगी हमसे छिन गई है। पंडित जी, आपकी जिंदगी आपसे कौन छीने? मेरे को उसका नाम पता बताओ, मैं उसे फांसी लगा देता। देख परदेसी, हमार मनु चाटे भैया, हमसे मजाक न कर। पंडित जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने के वास्ते आया। हमको नहीं सुनना है खुशखबरी भैया। पंडित जी, आप वो खुशखबरी सुनेंगे तो आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। अरे कह दिया ना कि हमको खुशखबरी नहीं सुनना। ऐसा तुम्हें नहीं सुनना तो मत सुनो। मैं वो खुशखबरी राम कटोरी को सुनाता हूँ, और तुम बीच में खुश न को ना, समझे? नहीं होंगे। हाँ मत होना। सुन राम कटोरी, तू इधर आ। देख, तेरे को मालूम छोटे ठाकुरा और बड़े ठाकुरा आपस में बात कर रहे थे, बड़ी मालकिन हवेली में आने वाली है। अरे परदेसी, का कहा रे? हर एक बार फिर से बोल। नहीं बोलूंगा भाई। अरे बस, तू जो मांगेगा सब देंगे तेरे को हम। मैं जो मांगूंगा मेरे को ये देगी। पंडित जी, फिर सुनो, खुशखबरी ये है कि बड़ी मालकिन हवेली में आ रही है। अरे तेरे मुंह में घी शक्कर बचवा, घी शक्कर, अब तो चुकाएगा कम, नाचेंगे भी। ये नाचना बंद करो। पंडित जी, अभी अभी तुम्हें क्या मेरे को बोले कि मैं जो मांगूंगा वो देंगे? देंगे बोले ना। हा? तो फिर मैं मांगता हूँ राम कटोरी। पंडित जी, मैं राम कटोरी का हाथ मांगता हूँ। परदेसी, कुछ गड़बड़ हुई। राम कटोरी का हाथ हम तेरे हाथ में जरूर देंगे बचवा, लेकिन बड़ी मालकिन के आने के बाद। आहा, राम कटोरी बड़ी मालकिन हवेली में आएंगी, हम दोनों की शादी होगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे शुक्रिया हमको देता है, गले राम कटोरी के मिलता है। आ, हमसे गले मिल। बस करो मालती, बस करो। मेरा भगत, मेरे जीवन में खुशियां नाम की कोई चीज थी नहीं। क्या मेरे नसीब में अपने बेटे की खुशियां भी देखना नहीं लिखा है? लगता है सब मेरे पापों का फल है जो मेरे औलाद को भुगतना पड़ रहा है। नहीं मानती, ऐसा क्यों सोचती हो? तुमने कोई पाप नहीं किया। पाप तो तुम्हारी मजबूरियों ने किया, तुम्हारी बेबसी ने किया था। पाप तो उन लोगों ने किया था जिन्होंने तुम्हें जन्म देकर इस नर्क में छोड़ दिया था। तो उन पापों की सजा भुगत रही थी वहां। माँ, मालती, अपने पोते को नहीं देखो? Yeah.
नहीं माँ, तुम रोना नहीं। उसने जो भाग्य में लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। मगर वो बेगुनाह अमिता ने किसी का क्या बिगाड़ा था बेटे? माँ, अमिता का सबसे बड़ा दोष ये था कि वो एक औरत थी, एक मजबूर और एक बेबस औरत। और मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी ये थी माँ के मैं उसे बचा नहीं सका। करण बेटे, देखना तो ये है कब तक जालिम रहेंगे इस दुनिया में, कब तक जुल्म होता रहेगा और कब तक सहते रहेंगे मजलूम। माँ, इस दुनिया में हर चीज का अंत होता है, मगर मजलूम हमेशा इस दुनिया में मरते आए हैं, तो क्या जालिम भी हमेशा इस दुनिया में जीते रहेंगे? अमिता तो चली गई इस दुनिया से, मगर उसकी याद हमेशा दिल में रहेगी। मेरे दुर्भाग्य की सीमा तो यह है, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाकर बड़ा भी नहीं कर सकती। इस सब अधिकार मेरी छीन ली दुनिया ने। ये आप क्या कह रही बहन? अरे, हमसे ज्यादा हक तो आपका है इस बच्चे पर। नहीं बहन, नहीं, मेरी जिंदगी के साथ मेरी बदनामी है और मैं अपनी बदनामी का मनु साहब इस बच्चे पर नहीं पढ़ने दूंगी, नहीं पढ़ने दूंगी। ठकराई, मैं जा रही हूं। मालती, अगर मेरा कहा मानो तो उस बदनाम जगह वापस मत जाओ, हम लोगों के साथ यहीं रह जाओ। नहीं ठकराई, मैं हरिद्वार गई थी, गंगा में स्नान भी किया था मैंने, मगर मन में एक एहसास है कि गंगा का पवित्र जल भी मेरा अतीत ना धुल सका। शायद मेरे पापों का प्रायश्चित यही है कि मैं आप लोगों से दूर रहूं। मैं जा रही हूं। मालती भाई, सुंदरलाल, सुंदरलाल तुम? कोई काम था मुझसे? अजी काम क्या होगा मालती भाई, 2 महीने से यह दरवाजा बंद था। यकीन मानो रोज चक्कर मारता था कि आज खुले दरवाजा, आज खुले दरवाजा। 2 महीने हो गए राह देखते देखते मालती भाई। काम की बात कर। अजी काम ही तो नहीं है ना मेरे पास। जब से तुमने दुकानदारी क्या बंद की ना मालती भाई, अपने तो काम काज पे ताला ही पड़ गया। दूसरी जगह तो हम काम करते नहीं, अरे सच पूछो तो दूसरा कोई काम भी नहीं देता, देता है तो सिर्फ ताने कि जाओ मालती भाई के पास, जाओ मालती भाई के पास। अब रह दे के यही एक दरवाजा रह गया है ना मालती भाई। हमने भी तय कर लिया मालती भाई, सारी उम्र इस ड्योड़ी के पत्थर बन के रहेंगे। मेरे पास कुछ नहीं तुझे देने के लिए सुंदरलाल। अरे हमने कौन सी दौलत मांग ली है? नहीं जी, हमें सब कुछ। बड़ी ऐश की थी हमने तुम्हारे जमाने में, खूब मौज मस्ती की थी। और अब तो सच पूछो ना, इन सब बातों से दिल ही भर गया है। बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए ना सुकून से, बहुत है। अब देखो ना मालती भाई, 2 महीने के लिए तुम क्या गई, मेरे शरीर की क्या हालत हो गई। पेट में रोटी नहीं, गला गला तो एकदम ही सूख गया है। लेकिन अब तुम आ गई हो ना तो जान पड़ जाएगी इस मुर्दे शरीर में। अरे हमारी तो किस्मत ही तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है ना मालती भाई। सुंदरलाल, जी चाहता है तेरा खून पी जा। अरे ये क्या कर रही है मालती भाई, अब शरीर में खून ही कहाँ बचा जो तुम पी लो। फिर मेरा गुनाह भी क्या है? अरे खून ही पीना तो उन गुनेगारों का पियो जिन्होंने तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है और तुम्हें छोड़ दिया तड़प तड़प के मरने के लिए। मालती भाई,
मेरा तो जी चाहता है कि एक बार रतनपुर आऊं और पूछूं उस ठाकुर से। हाँ जलील कुत्ते निकल जा यहाँ से। अरे मालती भाई, 2 महीने से भूखा हो, अब तो 2 कदम चलने की भी शक्ति नहीं है। भगवान कसम चक्कर खा के गिर जाऊंगा। और निकल जा यहाँ से। जियो मालती भाई जियो। अरे क्या दवाई दे दी इस मरीज को, इस शरीर में तो जान आ गई। मालती भाई, अरे मालती भाई, भगवान तुम्हारा भला करे। मालती भाई जी, देखो मेरे में जान आ गई, चलता हूँ मालती। जियो मालती भाई जियो। ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। मालती बोल रही हूँ। तुमने यहाँ फोन क्यों किया? ठाकुर साहब, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। जो कुछ कहना है टेलीफोन पे कह दो। नहीं ठाकुर साहब, जो काम है उसके लिए मिलना बहुत जरूरी है। आप जहाँ कहेंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ। देखो मालती, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास बहुत सारे काम है और मुझे फुर्सत नहीं है किसी से मिलने के लिए। मैं नहीं मिल सकता हूँ। तो फिर मैं आती आपके हवेली में। अरे आवत है भैया। कौन है ससुर? अरे दरवाजा तोड़ोगे का यार? अरे आए 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 भैया आए। मैं ठाकुर साहब से मिलना चाहती हूँ, वो घर में है। है, है। आप बैठिए, हम उनको खबर करते हैं। नहीं रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही जाकर मिल लेती हूँ उनसे। ठाकुर साहब। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।